हाय गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल, माय यूट्यूब चैनल द रूट्स इंग्लिश। मैं एनएस पांडे। आज मैं जनरल कंपटीशन के विद्यार्थियों को, और ये जनरल कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए जो बैंक, पीओ, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, किसी भी क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक टर्म होता है, एक यूनिट होता है इंग्लिश ग्रामर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, जो बनाने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और उसके लिए मैं एक बहुत ही बेटर उपाय सोच करके आया हूं और एक बहुत ही बेटर उनके लिए उपाय लाया हूं। आखिर वर्ड को रटा कैसे न जाए? आप वर्ड रटते हैं, पूरा फुल वर्ड रटते हैं, मालूम चलता है कि 2 महीने के बाद उस वर्ड को भूल गए हैं, लेकिन ये रटने वाली बीमारी वर्ड में से कैसे निकाला जाए, मैं आज आपको इस फैक्ट को बता रहा हूं, मैं आज आपको इस प्रॉपर्टीज को बता रहा हूं कि रटा किसी वर्ड को कैसे नहीं जाए। मात्र 2 वर्ड, और 2 वर्ड से लगभग आप 15 के करीब में वर्ड आप सीख लेंगे, आराम से सीख लेंगे। मात्र आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। सबसे पहले देखिए रूट वर्ड्स क्या है। बाउंड, बाउंड का मतलब होता है की ओर जाने वाला। बाउंड का मतलब होता है की ओर जाने वाला। इसके बाद वेयर, वेयर का मतलब होता है का बर्तन, का बर्तन। चलिए गाइस, सीखने की सिलसिला हम शुरू करते हैं। जैसे ये हो गया आपका रूट वर्ड्स, और मैं अब लिखने जा रहा हूं मेन वर्ड्स। मेन वर्ड्स, मेन वर्ड्स से अब कैसे बनेगा? साउथ बाउंड, नॉर्थ बाउंड, ईस्ट बाउंड, वेस्ट बाउंड, नॉर्थ ईस्ट बाउंड, साउथ ईस्ट बाउंड, वेस्ट ईस्ट बाउंड, वेस्ट साउथ बाउंड। इसके बाद वेयर, जैसे अर्थ वेयर, कॉपर वेयर, अर्थ वेयर, कॉपर वेयर। इसके बाद आयरन वेयर, सिल्वर वेयर। चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये मैं कुछ वर्ड्स बनाया हूं, उस मात्र 2 रूट वर्ड्स से मैंने ये कुछ मेन वर्ड्स बनाया है। सबसे पहले आप दिमाग में याद रखिए बाउंड, बाउंड का मतलब होता है की ओर जाने वाला, की ओर जाने वाला, जैसे दक्षिण की ओर जाने वाला, उत्तर की ओर जाने वाला, पश्चिम की ओर जाने वाला, पूरब की ओर जाने वाला। वेयर का मतलब होता है का बर्तन, सोना का बर्तन, चांदी का बर्तन, लोहा का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। जैसे सीखने का सिलसिला शुरू कीजिए, ध्यान दीजिएगा, कॉपी निकालिए और इसे नोट कीजिए, इस बात को नोट कीजिए कॉपी निकाल करके। साउथ का मतलब होता है दक्षिण, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, और बाउंड का मतलब होता है की ओर जाने वाला, यानी कहां जाने वाला, तो दक्षिण की ओर जाने वाला। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, और बाउंड का मतलब होता है की ओर जाने वाला, यानी उत्तर की ओर जाने वाला। ईस्ट मतलब होता है पूरब, और बाउंड मीन्स होता है की ओर जाने वाला, यानी पूरब की ओर जाने वाला। वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, और बाउंड मतलब होता है की ओर जाने वाला, यानी किधर जाने वाला, तो पश्चिम की ओर जाने वाला। नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, ईस्ट मीन्स होता है पूरब, यानी उत्तर पूरब, और बाउंड मीन्स होता है की ओर जाने वाला, यानी उत्तर पूरब की ओर जाने वाला।
उसके बाद साउथ मींस होता है दक्षिण, ईस्ट मींस होता है पूरब, यानी दक्षिण पूरब, और बाउंड का मतलब होता है की ओर जाने वाला, यानी दक्षिण पूरब की ओर जाने वाला। वेस्ट मींस होता है पश्चिम, ईस्ट मींस होता है पूरब, और बाउंड मतलब होता है की ओर जाने वाला, पश्चिम पूरब की ओर जाने वाला। उसके बाद वेस्ट मींस होता है पश्चिम, साउथ मींस होता है दक्षिण, और बाउंड मींस होता है की ओर जाने वाला, पश्चिम दक्षिण की ओर जाने वाला। दूसरा अपर रूट वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है क्या, का बर्तन। जैसे अर्थ मींस होता है मिट्टी, और वेयर मींस होता है का बर्तन, यानी किसका बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन। कॉपर मींस होता है तांबा, और वेयर मींस होता है का बर्तन, तो किसका बर्तन, तांबा का बर्तन। आयरन मींस होता है लोहा, और वेयर मींस होता है का बर्तन, किसका बर्तन, तो लोहा का बर्तन। सिल्वर मींस होता है चांदी, और वेयर मींस होता है का बर्तन, यानी किसका बर्तन, तो चांदी का बर्तन। अब इससे आप चाहे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे अ पर्सन हु गोज इन साउथ साइड, a person who goes in south side, what its name? Suppose that there is one question, I am just making it. A person who goes south, एक व्यक्ति जो दक्षिण की तरफ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे पूछेगा, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु गोज साउथ, एक व्यक्ति जो दक्षिण जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साउथ बाउंड। उसका क्या होगा, साउथ बाउंड, यानी दक्षिण की ओर जाने वाला। अ पर्सन हु गोज वेस्ट, दैट मीन्स वेस्ट बाउंड। अ पर्सन हु गोज वेस्ट ईस्ट, दैट मीन्स वेस्ट ईस्ट बाउंड। यानी इसी तरीके से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपको वर्ड रटने नहीं पड़ेंगे, आप आराम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जिससे कि 4 से लेकर 5 नंबर का आपका मार्क्स डेफिनेटली है, 100% है। जनरल कंपटीशन में 4 से लेकर 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके के और वीडियोज देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द रूट्स इंग्लिश। इसके बाद कमेंट में बताएं कि और इस टाइप का वीडियो चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए, जनरल कंपटीशन, बैंक, पीओ, किसी भी इंग्लिश के किसी भी लेवल का कैसा वीडियो चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उपलब्ध कराएंगे, हम मुहैया कराएंगे वीडियो। इतने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। हैव अ नाइस।